है गाइस, चलिए देखने की कोशिश करते हैं न्यूक्लिक एसिड के आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। सो ये है आपका फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट, हियर अ 20 मर डीएनए कंटेंस एजीसी ओनली। ये बोल रहा है कि 20 मर डीएनए जो है सिर्फ और सिर्फ एजीसी को कंटेन कर रहा है। इन हाउ मेनी वेज द डीएनए सीक्वेंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड, ऐसा एक क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, जहाँ पे टेट्रा न्यूक्लियोटाइड के पास एजीटी था, तो वहाँ पे जो था 3 to power 4 वाला कॉम्बिनेशन बन रहा था। हियर यू कैन मेक, यहाँ पे देखा था, तो जो जितना न्यूक्लियोटाइड होता है, जितना का बना होता है, वो मर यूनिट पावर में आता है और जितनी पॉसिबिलिटी होती है वो बेस में आता है। तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए कि सेम कंडीशन जो है अपीयर होगा कि ये जो है 20 मर है, मतलब ये पावर में जाएगा, और ये 3 है आपका पॉसिबिलिटी, तो 3 आएगा, तो 3 to power 20 आएगा। लाइक यू हैव द 20 सिक्वेंसेज हियर, हर के पास 3 पॉसिबिलिटी है, 3 is to 3 is to 3 is to 3, ऐसे आप 20 टाइम्स इसको लेके जाएंगे, एंड लेके जाने के बाद 3 to power 20 आपको मिल जाएगा। या इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट पॉसिबिलिटी जो है वो बेस पे रहेगा, आपकी पॉसिबिलिटी जो है बेस पे रहेगी, और पावर में जो होगा वो यूनिट आएगा, मर आएगा। तो ये कंडीशन आपके पास चलेगा, कितना यूनिट का बना हुआ है वो आएगा, और पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे चलेगी, तो यू कैन यूज़ इट टू सॉल्व इट। नाउ नेक्स्ट आ रहा है कि व्हेन द डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल, एनालाइज द बेस कंपोजिशन, इट इज़ फाउंड दैट 38% ऑफ बेस इज साइटोसिन, व्हाट परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज देयर। दिस इज़ बेस्ड ऑन द चारगाफ रूल। चारगाफ रूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा ध्यान रख रहिएगा। चारगाफ रूल कुछ चीज़ें कहते हैं, एंड प्लीज़ बी रिमेंबर विद दैट। पहली चीज़ कि इट इज़ वैलिड फॉर द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ही वैलिड है। प्यूरीन और प्यूरीन जो होता है वो 50% होता है, प्यूरीन यहाँ पे 50% पाया जाता है, एंड पिरिमिडीन भी 50% होता है। प्यूरीन का मतलब एडिनिन और गुआनिन का सम 50% के बराबर होगा, एंड पिरिमिडीन 50% का मतलब साइटोसिन एंड थायमिन का सम 50% होगा, यानी दोनों 50% है, तो वी कैन ऑल्सो से दैट प्यूरीन विल बी इक्वल टू द पिरिमिडीन। ये चीज़ आपकी पाया जाएगी, एंड दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू द 50%। इसके अलावा ये कुछ प्रॉपर्टी के साथ साथ, ये प्रॉपर्टी जितना साइटोसिन होगा उतना ही गुआनिन होगा, क्योंकि साइटोसिन गुआनिन के साथ पेयर करता है, एंड जितना एडिनिन होगा उतना ही थायमिन होगा, क्योंकि एडिनिन थायमिन के साथ पेयर करता है। ये चारगाफ रूल की कुछ प्रॉपर्टी है, अगर ध्यान रखे रहोगे तो चारगाफ रूल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि भैया 38% साइटोसिन है। अब हम बात करते हैं कि हमने ये आपको अभी बताया कि पिरिमिडीन जो है वो आपको 50% होता है, तो जब पिरिमिडीन 50% होता है, तो हियर वी कैन से दैट कि साइटोसिन और थायमिन इज़ अ पिरिमिडीन, ये 50% है। इससे आप टी निकाल दिए, टी हो जाएगा 50 - C, दैट इज़ 12%। और आपको पता है जितना ही टी होगा उतना ही ए होगा, तो जितना टी होगा उतना ही आपका ए होने वाला है, तो दैट यू नो दैट, क्योंकि टी ही पेयर करता है, तो टी इज़ इक्वल टू ए, एंड ए विल बी द 12%, आंसर वुड बी द ए। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। नाउ अगेन, दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन, दे आर आस्किंग अबाउट द रैंडम डीएनए हेक्सामर्स। इनके पास रैंडम डीएनए हेक्सामर है, कंटेनिंग एटीजीसी, कंटेनिंग एटीजीसी आर जनरेटेड बाय द डीएनए सिंथेसिस, जनरेटेड बाय द डीएनए सिंथेसिस, द फ्रैक्शन ऑफ हेक्सामर्स दैट विल हैव द 3 प्यूरीन एंड दैट विल फॉलोड बाय द 3 पिरिमिडीन। ये कंडीशन आपके पास पाई जा रही है, 3 रैंडम हेक्सामर्स है एटीजीसी के लिए, एंड जनरेटेड बाय द डीएनए सिंथेसिस, द फ्रैक्शन ऑफ द हेक्सामर्स दैट विल हैव द 3 प्यूरीन फॉलोड बाय द 3 पिरिमिडीन। मतलब आपको पहले 3 प्यूरीन रखना है, उसके बाद 3 पिरिमिडीन रखना है। अब ये समझने की कोशिश करिएगा, आपके पास बेसिस दो तरीके से पाए जाते हैं, या दो तरीके में, एक होता है प्यूरीन और एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरीन जो होते हैं ए और जी पाए जाते हैं, और पिरिमिडीन सी और टी पाया जाता है। यानी अगर प्यूरीन को देखो, तो प्यूरीन जो है टोटल आपके पास जो है वो 4 बेसिस होते हैं डीएनए में, दैट इज़ ए जी सी टी। इसमें अगर प्यूरीन को देखोगे तो प्यूरीन जो होगा ए और जी होगा, यानी 2/4 होगी प्यूरीन की प्रोबेबिलिटी। 2/4 मतलब 2 है आपका ए कॉमा जी का, और टोटल है 4, तो इट विल बी 1/2। सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिरिमिडीन विल बी 2/4, क्योंकि पिरिमिडीन सी और टी है, तो सी और टी जोड़ के आप क्या करोगे, 2 हो गया, और डिवाइडेड बाई टोटल, दैट इज़ 1/2। तो प्यूरीन और पिरिमिडीन की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गए।
अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपके पास 6 न्यूक्लियोटाइड है और 6 न्यूक्लियोटाइड में आपको क्या करना है, आपको स्पेसिफिकली ये डिस्कस करना है कि भैया 6 न्यूक्लियोटाइड में से पहले तीसरे जो हैं वो प्यूरीन होने चाहिए और बाद के तीसरे पिरिमिडिन होंगे। प्रोबेबिलिटी पहले तीसरे प्यूरीन के लिए जो होगा 1/2 होगा एंड बाद के पिरिमिडिन के लिए 1/2 होगा। तो टोटल जब आप देखोगे तो ये 1/2 to power 6 जो है आपके पास अपीयर हो जाएगा, आंसर विल बी द 2, ये आंसर जो है आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ध्यान देने की कोशिश करिएगा दैट द कोर फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट NAT। ध्यान दीजिएगा इस टर्म में है कोर फंक्शनल यूनिट, कौन सा ऐसा यूनिट है जो काम करता है। कई लोग इसको पिरिमिडीन या प्यूरीन कर देंगे तुरंत, लेकिन द एक्चुअल आंसर इज डाइहाइड्रोप्यूरिडीन। कैसे, अब इसको समझते हैं द डाइहाइड्रोप्यूरिडीन कैसे होगा आपका, ठीक है ना। सो ध्यान दीजिए, कोशिश करिएगा कि NADH में जब ये कहते हैं कि प्रोटॉन डोनेट करता है और एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे जनरेट करता है, ठीक है ना, तो इस कंडीशन पे, ठीक है ना, इस कंडीशन पे जो होता है, इस कंडीशन पे डाईहाइड्रो NADH जो होता है डाईहाइड्रो की वजह से 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है NADH। तो NAD+ इसमें जो NAD मतलब निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड की जब हम बात करते हैं तो NAD में क्या है कि डाई न्यूक्लियोटाइड आपका वैसा ही है। यहाँ पे जो है NADH में क्या होता है डाईहाइड्रोपिरिडीन जो एक पार्ट पाया जाता है स्पेसिफिकली वो ही तो होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन को करता है। तो कोर फंक्शनल यूनिट इसका काम ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना। NADH क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर ही तो है, NADH इज योर इलेक्ट्रॉन कैरियर और इसका कोर फंक्शन है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना और वो काम करता है डाईहाइड्रोपिरिडीन। इसी वजह से कोर फंक्शनल यूनिट डाईहाइड्रोपिरिडीन पाया जाता है। नेक्स्ट, एसिमेट्री ऑफ द DNA डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन कर्व के ऊपर बात करते हैं। सो DNA कहते हैं डीनेचुरेशन कर्व के ऊपर जब हम बात करते हैं तो दिस इज जीनोम साइज एंड जब कॉट कर्व के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको अपीयर होता है। जितना ज़्यादा जीनोम साइज होता है उतना ज़्यादा ही उसकी कहते हैं कि कॉट वैल्यू आती है। सो दैट रिप्रेजेंट्स कि ऑब्वियस ही बात है कि एसिमेट्री, ठीक है ना, जो आपकी एसिमेट्री होती है, ठीक है ना, वो कॉम्प्लेक्सिटी जो एसिमेट्री होती है वो कॉम्प्लेक्सिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जीनोम होगा उतना ज़्यादा आपको एसिमेट्री मिलने वाली है इस पर्टिकुलर केस में। सो हियर एसिमेट्री विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी, जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आंसर ए वुड बी द राइट आंसर फॉर DNA डीनेचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ऑर्गेनिज्म द अमाउंट ऑफ DNA पर हैप्लॉयड जीनोम इज अबाउट 1.6 × 10⁻⁹ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स। ये पाया जा रहा है, गिवन दैट द लेंथ ऑफ DNA हेलिक्स ऑक्यूपाइड बाई 1 न्यूक्लियोटाइड पेयर इज 3.4 angstrom, सो वॉट विल बी द लेंथ ऑफ डबल हेलिक्स। ये देखिए हैप्लॉयड जीनोम का जो है इतना लेंथ दिया हुआ है, तो डिप्लॉयड पेयर जो होगा इसका डबल होगा और उस डबल करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लेंथ पता चल जाएगा। तो अगर हैप्लॉयड की बात करते हैं तो एक का लेंथ जो है वो 1.6 × 10⁹ है। इस हिसाब से जो है इसमें 0. अगर देखिए न्यूक्लियोटाइड पेयर जो है इतना पाया जा रहा है, एक पेयर का लेंथ इतना है, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने इसको नैनोमीटर में कर दिया, 3.4 angstrom होता है 1 पेयर का, नैनोमीटर में करेंगे तो 0.34 nm हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया कि जीरो इस एक के लिए इसमें टोटल वाले न्यूक्लियोटाइड पेयर से एक पेयर का लेंथ इतना है, टोटल का बेस पेयर इतना है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल लेंथ पता चल जाएगा। तो 1.6 × 10⁹ × 0.34 करेंगे तो ये वैल्यू 0.544 जो है वो आ जाएगा, बट दिस इज़ फॉर हैप्लॉयड वन। तो डिप्लॉयड के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है ये चीज़ डबल हो जाएगी और डबल होने के लिए ये 1.08 अप्रॉक्सीमेटली जो है 1.1 जो है नैनोमीटर आपका आ जाएगा, 1.1 nm विल बी द लेंथ, सॉरी 1.1 meter, ठीक है ना, ये जो हो जाएगा 1.1 meter आएगा। मीटर कैसे आएगा देखिएगा, ये 10⁻⁹ यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में टोटल बेस में,
हम इस नैनो को हटा रहे हैं, मीटर में कर रहे हैं, तो नैनो को हम रखेंगे तो 10^9 होगा, तो 10^9 और ये 10^9 कट जाएंगे, इसकी वजह से 1. ये सिर्फ मीटर बचेगा, तो लेंथ जो है वो आपका मीटर में आएगा, ठीक है ना, वो मीटर में आ जाएगा। सो दिस इज द केस। नाउ इन दिस केस ऑफ द डबल स्टैंडर्ड सिक्वेंसेज गिवन बिलो दैट एक्सपेक्टेड टू हैव द हायर मेल्टिंग टेम्परेचर इज, हायर मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा? अब इसमें क्या होता है कि आपको लगाना है वैलेस रूल। वैलेस रूल दिया जाता है वेयर इज अ 4, ठीक है ना, जी प्लस सी प्लस 2a+t। जी प्लस सी में 4 का मल्टीप्लिकेशन इसलिए होता है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और ए और टी में 2 का मल्टीप्लिकेशन होता है क्योंकि डबल बॉन्ड पाया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए वहाँ पर मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा इनकॉर्पोरेट होगा। अगर इस पूरे सीक्वेंस पे काउंट करेंगे, आपको अगर देखोगे तो जैसे यहाँ पे काउंट करोगे, ए टी करोगे, वो ए टी काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ए टी है, और जी सी काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 जी सी है। इसी तरीके से अगर आप देखो, जी सी 5 था, ए टी 15 था। इसी तरीके से बी और सी और डी सब में करोगे तो बी में करीब 15 जी सी है और 5 ए टी है, सी में 2 जी सी है और ए टी जो है 18 है, डी में 13 जी सी है और 7 ए टी होता है। ये आप जी सी ए टी जो मैंने अभी बताया उसी तरीके से कैलकुलेट करना है, इसमें कितने जी सी ए टी हैं। तो अब इसका फॉर्मूला कर यूज़ करेंगे तो 4 जो है इंटू जी सी एंड 2 ए टी रखेंगे यहाँ पर। तो आपने ये चीज़ रखी तो ये वैल्यू देखिए, 4 GC रखेंगे, 5 × 4 = 20, 15 × 2 = 30, 20 = 30, 50। इसके बाद 5 × 15 × 4 = 60, 5 × 2 = 10, 16 × 10 = 70। ये है 2 × 4 = 8, 18 × 2 = 36, ये है 44। इसके बाद 13 × 4 = 52 एंड 7 × 2 = 14, ये 66। इसमें जो हाईएस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर है वो आ रहा है बी के पास, दैट इज़ द बी डी एन ए, ये बी वाला ऑप्शन है। जिसके पास जी सी कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियस ही बात है वो जो है आपका सबसे ज़्यादा उस पर पाया जा रहा है। इसके अलावा डिक्रीजिंग के ऑर्डर बात करें तो डिक्रीजिंग अगर एक क्वेश्चन इसमें दिया नहीं है, अगर मैं आपसे पूछ दूँ एक्स्ट्रा या कभी पूछ दे कि डिक्रीजिंग मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा, तो दैट इज़ बी, बी सबसे ज़्यादा, फिर डी है, डी के बाद फिर ए है, ए के बाद फिर सी है, ये कंडीशन आपका पाया जाता है। बी देखिए सबसे ज़्यादा 70, फिर उसके बाद आपका डी है 66, फिर ए है 50 एंड फिर 44 ये है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो होप कि आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा, और कोई डाउट होता है तो ग्रुप में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आई एम वीरेंद्र सिंह, आई टीच सी एस आई आर ऑन अनअकैडमी। अगर आपका गोल जो है वो सी एस आई आर यूजीसी नेट है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सी एस आई आर यूजीसी नेट, देन अनअकैडमी विल हेल्प यू। जी हाँ, तो आपके लिए, आपके गोल को, आपके सपने तक करीब पहुंचाने के लिए अनअकैडमी विल हेल्प यू। इफ यू वॉन्ट टू क्रैक सी एस आई आर यूजीसी नेट, देन येस वी आर द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी। Get the plus or iconic subscriptions and access the unlimited live and recorded courses from the India's top educators. So, अगर आपका टारगेट जो है CSIR 2023 है, तो जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं, let's begin. तो मेरे पास